अमेजिंग देख सकते हैं आप लोग, इसे इस टाइप से कहीं पर भी रख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना मस्त ग्लो कर रहा है फ्रेंड्स इसका लाइट आप लोग। फ्रेंड्स मैगदीप फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को गुड नाइट का लिक्विड वाला जो डब्बा आता है आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा गुड नाइट का लिक्विड वाला डब्बा है तो आप उसे फेंके नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को इसी लिक्विड के डब्बा से एक डेकोरेशन लाइट बनाकर दिखाने वाला दिवाली के शुभ अवसर पर। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अमेजिंग डेकोरेशन लाइट इस डब्बे से बनाकर दिखाएंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बढ़ने के चले, फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स लिक्विड वाला हम डब्बा ले लिए। अब सबसे पहले करेंगे क्या कि इसका जो ये वाला पेंसिल जैसा है इसको हम निकालेंगे। देख सकते हैं आप लोग इसमें का जो कैप है इसको हम रहने देंगे, सिर्फ इसमें का बीच वाला जो है ब्लैक वाला इसको हम निकालेंगे। तो इसको हम यहाँ से निकाल दिए हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब करेंगे क्या फ्रेंड, इसको हम यहाँ पे इसमें लगे रहने देंगे इसको, और उसके बाद इसका स्टिकर जो है हमें साफ़ करना होगा इसको। तो चलिए स्टिकर को यहाँ से हटा करके इस डब्बे को अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। अब करेंगे क्या कि इसके बीच में यहाँ पर देख सकते हैं ठीक सेंटर पे पे इसमें होल करेंगे। चलिए हम सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पर एक होल कर लेते हैं। तो होल का साइज़ ये होगा फ्रेंड्स, फिर चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ होल को किस साइज़ में हमें होल यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो होल का साइज़ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग बता देता हूँ। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्लू स्टिक लिए हुए हैं, तो इसी ग्लू स्टिक को हमें यहाँ पे लगाना होगा। इसके साइज़ का हम यहाँ पर होल कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये बिल्कुल इसमें आसानी से आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल ये इसमें आ गया आसानी से। अब इसको हम बाहर निकाल देंगे और ये जो मेरा जो होल है स्ट्रिक के साइज़ का इसमें हो चुका है। अब इसका जो बाहर वाला ये वाला भाग है इसको हम कट करके इसको प्लेन कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें होल करने के बाद करेंगे क्या, इस डब्बा का जो ढक्कन है इसको हम निकाल लेंगे और उसके बाद स्ट्रिक को हम यहाँ से इसमें लगा देंगे इस टाइप से। आप लोग देख सकते हैं इसको हम यहाँ से लगा दिए हैं। अब उसके बाद करेंगे क्या कि इस स्ट्रिक को इसके बाहर साइड से यहाँ पे अंदर से इसको लगा देंगे और इसमें यहाँ पे होल में समा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर इसको होल में फंसा देंगे, इसको हम होल में यहाँ पे फंसा देंगे अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर इसका जो ढक्कन है इसको हम यहाँ पर इस टाइप से बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फिक्स हो चुका है। यहाँ से इसको जो एक्स्ट्रा स्टिक इसमें निकला हुआ है इसको हम यहाँ से काट देंगे। देख सकते हैं ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ से हम काट दिए। अब करेंगे क्या फ्रेंड्स, इसमें हमें एक लाइट लगाना होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर 5 mm का एक लाइट है, देख सकते हैं 5 mm का है फ्रेंड्स। और ये लाइट जो फ्रेंड्स कलरफुल वाली है, इसमें हर एक कलर का ये लाइट जो है जलता है। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि इस लाइट को लगाने के लिए हम यहाँ पर जो स्टिक पीछे साइड से थोड़ा सा निकला हुआ है इस पर हम छोटा सा होल कर देंगे बीच में ठीक, और इसके बीच में होल करने के बाद करेंगे क्या कि इस बल्ब को इसमें हमें इस टाइप से लगा देना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस लाइट इसमें लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से अच्छे से। उसके बाद हल्का से इस पर ग्लू डाल देंगे, ग्लू से इसको अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये लाइट जो है मेरा बाहर की ओर यहाँ से ना निकले। इस दोनों वायर को किसी एक साइड हमें यहाँ पर मोड़ देना है इस टाइप से। ये देखिए फ्रेंड्स तो इस टाइप से हमें यहाँ पर मोड़ दिए हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे दोनों वायर को काट करके। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों वायर को हम हल्का सा छोटा कर दिए हैं काट करके। तो फ्रेंड्स इसका कनेक्शन करने से पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पर इसका जो लैंप है इसको हम बना लेंगे। तो इसको लैंप के साइज के बनाने के लिए देख सकते हैं आप लोग इस ग्लू स्टिक को थोड़ा सा निकाले हुए बाहर इसको हल्का सा पिघला देंगे। तो चलिए यहाँ पर पिघला कर इसको हम लैंप जैसा हम बना लेते हैं यहाँ पर प्लेन हो चुका है। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि थोड़ा सा हम ग्लू डालेंगे, ग्लू इस टाइप से डालना है कि फ्रेंड्स यहाँ पर लैम्प के शेप में यहाँ बन जाए फ्रेंड्स। ज़्यादा इसको फ्रेंड्स यहाँ पर हमें यहाँ पर इसको नीचे की ओर गिराना नहीं है, लैंप के शेप में यहाँ पर ग्लू डालना है। तो दिया का जो लैंप होता है फ्रेंड उस टाइप से हमें इसको बनाना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसको हम लैंप जैसा कैसे बना दिए यहाँ पर। तो इस टाइप से हमें बना लेना है ग्लू स्टिक को पिघला करके। अब उसके बाद करेंगे क्या कि इसमें हम जो 5 pin का सॉकेट है इसको हम लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर माइनस वाला वायर जो छोटा है और प्लस वाला बड़ा है, इसमें भी देख माइनस का एक छोटा होता है और प्लस का बड़ा होता है। तो बड़े वाले को बड़े वाले में, छोटे वाले को छोटे वाले यहाँ पर सोल्ड कर देंगे
यहाँ पहले इस तरह से पकड़ के, चलिए यहाँ पर इसको हम सोल्ड कर लेते हैं दोनों को। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से यह सोल्ड हो चुका है। इसके बाद करेंगे क्या कि यहाँ पर हम ग्लू को लगा देंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ से चिपक जाए। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम एक छोटा सा इसको यहाँ पर इसको रखने के लिए यहाँ पर बनाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके नीचे कुछ रहेगा तब ना ये इसको किसी भी स्थान पर रख सकते हैं अच्छे से। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम एक छोटा सा कैप लिए हैं, इसको हम यहाँ पर हल्का सा कट करेंगे। चलिए इसको पहले नीचे रखते हैं। तो फ्रेंड्स इस कैप को इस टाइप से हम काट लिए, अब करेंगे क्या कि इसको आसानी से यहाँ पर ऐसे यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अब करेंगे क्या कि यहाँ पर इसको इस टाइप से लगा देंगे इसके बीच में बिल्कुल, और इसमें हल्का हल्का ग्लू से इसको भर देंगे। चलिए इसमें थोड़ा सा ग्लू डाल देते हैं ताकि ये भी चिपक जाए यहाँ पे अच्छे से, ये भी क्विक से चिपकाएगा तो अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। अच्छे से यहाँ पर चिपक गया, आप इसे आसानी से कहीं पर भी इसे ऐसे करके रख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप से कहीं पर भी आसानी से इसको ऐसे करके रख सकते हैं। आप छोटा सा एक होल कर लेंगे फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो होल है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो होल है बिल्कुल हो चुका है। अब तो आप लोग सोच रहे होंगे होल हम क्यों किए। फ्रेंड्स होल इसलिए किए कि फ्रेंड्स आप लोग चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी रख सकते हैं। फ्रेंड्स जब इसमें पानी रखेंगे फ्रेंड्स तो ये लाइट जो बहुत ही अमेजिंग बनेगी। तो इस होल से आप लोग सिरिंज की मदद से थोड़ा सा इसमें पानी, आधा डब्बा इसमें पानी भर दीजिएगा। चलिए इसमें हम पानी भर लेते हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इसमें हम पानी को भर दिए, देख सकते हैं यहाँ तक। अब करेंगे क्या फ्रेंड्स, इसको अभी आप लोग को जला के दिखाएंगे बन करके रेडी हो जाए। और एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पर होल है जो ऊपर की ओर यहाँ पर रहेगा, बट आप लोग चाहे तो इसमें से पानी को बाद में निकाल भी सकते हैं, फिर इसी में फिर से पानी से को डाल सकते हैं। तो इसलिए इस होल को हम ऊपर किए हैं ताकि यहाँ से पानी गिरे नहीं। फ्रेंड्स इसको हम ऐसे किसी भी चीज़ पर रख देंगे फ्रेंड्स, टेबल पर या किसी डेस्क पर कहीं पर भी रख देंगे तो फ्रेंड यह बहुत ही अच्छा ग्लो करेगा। चलिए फ्रेंड इसको हम अभी आप लोग जला कर दिखाते हैं कि लाइट जो कैसा चलता है, कैसा लगता है। तो फ्रेंड इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। फ्रेंड इसमें हम इस मोबाइल का चार्जर से देख सकते हैं, आप लोग चला रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चार्जर लगा हुआ है। फ्रेंड्स इसी चार्जर से हम इसको चला रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसको लगाएंगे, यहाँ पर ये लाइट जो है जलना मेरा चालू हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स कितना मस्त ग्लो करा है फ्रेंड्स, ये मेरा लाइट जो है बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अंधेरा करके इस बोर्ड को साइड करते हैं, थोड़ा सा अंधेरा करके आप लोग इसको चला करके दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ऐसे कितना मस्त ये जल रहा है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर लाइट को थोड़ा सा अंधेरा करते हैं, थोड़ा सा और अंधेरा कर देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स अंधेरा कर में देख सकते हैं कितना मस्त यह लाइट जो है जल रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स अमेजिंग, देख सकते हैं आप लोग इसे इस टाइप से कहीं पर भी रख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना मस्त ग्लो कर रहा है फ्रेंड्स इसका लाइट, आप लोग तो इस टाइप से देख सकते हैं, आप लोग कहीं पर भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग कैसा लगा लाइट वाला, फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं कौन सा लाइट बनाऊँ, क्या बनाऊँ, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नया वीडियो में, वीडियो देखने में सभी लोगों को थैंक यू।